सुंदर बहू आई है घर में, कितनी चांद से चांद प्यारी है, रोशन एकदम, छोटे छोटे दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, दोनों का पेयर कितना सुंदर है। बैठो बेटा, बैठो बेटा, बैठो, बहुत प्यारी सुंदर बहू। लाओ मम्मी लाओ, हम भी इनकी आरती उतारे। बहुत प्यारे हैं दोनों, नजर न लगे मेरी बहू को, छोटी सी बिंदड़ी घर पे आई है, सुंदर सी। बहन जी को फोन करके पूछू तो, अभी तक दहेज के बाकी पैसे नहीं दिए। हाँ नमस्कार बहन जी, और कैसी हैं? बहन जी आपने 2 लाख रुपए तो उस समय दे दिए थे, हमने शादी कर ली जब हुआ था मंडप में, आपने कहा था कि बाकी के 8 लाख तो रह गए अभी, और उस समय तो आपने गाड़ी की बात की थी, गाड़ी भी नहीं आई है। दादी बहुत मजबूरी है, मेरे पास पैसे नहीं है, जितना था सब लगा दिया, अपनी बेटी को दे दिया, अब नहीं हो पाएगा। क्या बात कर रही है, तो आपने ये बात तो पहले शादी के समय तो बता ही नहीं थी, बहुत ये तो बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली बात नहीं, आपको बताना चाहिए था अगर आपकी औकात नहीं थी हमारे बेटे के साथ करने की, तो आप अपनी उसकी जोड़ी की देखती ना, अपनी बिरादरी में उस तरह की लड़की लड़का देखती, इस तरह की करने की क्या जरूरत थी, आपने बहुत गलत काम किया है, तो धोखा दिया एक तरह से। नहीं नहीं बहन जी ऐसा मत बोलिए, अब आपकी बहू है वो। नहीं नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपने हमारे साथ धोखा किया है बेटा। अब मैंने बहन जी को फोन किया था अभी, और उसकी सुहाना की मम्मी तो ये कह रही थी कि पैसे दे नहीं पाएंगी, 2 लाख ही दिए हैं अभी, और 8 लाख दे नहीं रही हूँ, गाड़ी भी नहीं दे रही है। एक काम कर, उसको जाके जरा अच्छे से समझा दे, समझ गया ना, 2 थप्पड़ लगा, और अब वो उससे कहे अपनी माँ को बात करे जाके, और फोन पे बात करके उनसे कहे कि अगर पैसे नहीं दिए तो हम लोग उसे घर से निकाल देंगे, ठीक है? जा बेटा। तुम्हारी मम्मी ने मुझे 8 लाख रुपए और गाड़ी नहीं दी। नहीं मेरी मम्मा इतना अभी नहीं कर सकती है। तुम्हारी अगर मम्मी ने मुझे कल तक 8 लाख रुपए और गाड़ी नहीं दी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हेलो मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी अभी आपने मतलब 8 लाख और गाड़ी भिजवा दी जाए। हाँ ना बेटा, तुम तो जानती हो कि इस समय पे तुम्हारे पापा की क्या वो स्थिति है, कमाई भी नहीं है, और जितना था हम पे हमने सब तुम्हारी शादी में लगा दिया, और अभी तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी छोटी बहन भी है जिसको हमें अभी शादी करनी है, अभी हम कहाँ से लाएं, उसको नहीं दें, तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन कुंवारी बैठी रहे। हाँ पर मम्मी अगर आपने नहीं भेजवाए तो फिर मुझे घर से बाहर निकाल देंगे कल। बेटा ये अब तुम्हारा किस्मत है, हमने तो तुमको शादी कर दी, अब तुम्हारी जैसी किस्मत जहाँ तुम्हें ले जाए अब वही तुम्हारा घर है, तुम उसी घर में रहोगी, अब वहाँ से तुम्हारी अर्थी ही निकलेगी। हेलो हेलो अबिका, मैं ना पार्टी में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ना मेरे ना घर वाले ना मुझे परेशान करते हैं और मुझे घर से बाहर निकलने भी नहीं देते। अरे तो तुझे महिला हेल्पलाइन के बारे में नहीं पता? अभी तुरंत 1090 पे कॉल कर, तुझे तुरंत सुविधा मिलेगी। अच्छा ऐसा हो सकता है? हाँ ठीक है, अभी मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, आप क्या 1090 से बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं, बताइए। वो ना मतलब मेरे जो वो है ना ससुराल वाले, वो ना मुझे बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं पीटते हैं और मुझे घर से बाहर निकलने भी नहीं देते हैं, तो प्लीज आप मेरी मदद कीजिए।
आप अपना एड्रेस बताइए, हम तुरंत मदद पहुंचाएंगे। मेरा एड्रेस है उत्सव महानगर। अच्छा ठीक है, आपका नंबर नोट हो गया, हम ट्रेस करके पहुंचते हैं। ठीक है। आपको मैं पुलिस हूँ। आपको यहाँ किसने बुलाया? मैंने बुलाया है। क्यों? क्योंकि आप लोग मुझे इतना परेशान कर रहे थे, मार पीट रहे थे, मुझे घर से बाहर निकलने दे रहे थे। अब चलो तुम लोगों की जेब में खाते निकाल। नहीं 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 नहीं, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा किस तरह से महिला ऑफिसर आई और पकड़ के ले गई, तो ये नंबर 1090 वुमेन पावर लाइन नंबर है, बहुत ही काम का नंबर है, सब इसको नोट कर ले। और एक नंबर 181 है जो कि महिला हेल्पलाइन नंबर है, ये मुख्य कारण उन्हीं महिलाओं के लिए बनाया गया है जिनको घरों में बहुत परेशान करते हैं उनके घर वाले, और वो बेचारी के लिए बनाया है। तो प्लीज ये मैसेज सब जगह हम लोगों को फॉरवर्ड करना है। इसके साथ ही आप मुख्यमंत्री को डायरेक्ट भी फोन कर सकते हैं, वो नंबर हमारा है 1076, जिसमें आप मुख्यमंत्री को अपनी कंप्लेंट, अपने बारे में जो भी आपको तकलीफ है वो आप मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट बताइए कि ये परेशानी है। उसमें जो है अगर आपकी पुलिस सहायता नहीं कर रही है, आपकी क्षेत्रीय लोग आपकी सहायता नहीं कर रहे, ऑफिसर्स सहायता नहीं कर रहे, तो आप डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी को फोन करके आप मदद मांग सकते हैं। इसके अलावा 112 112 ये नंबर है, पुलिस आपातकालीन सेवा, कोई भी दिक्कत इमरजेंसी हो तो सीधे 112 नंबर डायल करें और आपको तुरंत पुलिस की हेल्प मिलेगी, महिला पुलिस की। हमारे माननीय योगी जी ने ये सारे नंबर चलाए और साथ में ये 1098 ये बहुत ही मुख्य नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, ये मुख्यतः उन बच्चों के लिए है जिनको घरों में बहुत ही परेशान करते हैं, उन लोगों से चाइल्ड लेबर करवाते हैं, लेकिन वो बच्चे अंडर एजुकेशन होते हैं, वो अपनी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं किसी भी कारणवश, और उनको घर से अगवा कर दिया जाता है, उनसे जबरन काम कराया जाता है। ये मुख्य कारण ये उन्हीं के लिए है ये फोन नंबर 1098। इसके साथ ही हमारे पास 102 पे आप कॉल करके स्वास्थ्य सेवा, कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है आपको, आप 102 पे फोन करके आप वो सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और 108 आपका एम्बुलेंस का नंबर है, अगर आपको 24 घंटे में किसी भी टाइम आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़े तो आप 108 पे कॉल करके तुरंत एम्बुलेंस बुलवा सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल गया, तो प्लीज बाल विवाह को रोकिए, स्टॉप चाइल्ड लेबर और इन सब नंबरों को ध्यान रखिए। यही हमारा सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का एम है बताने का, और हम मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो ये एक योजना चलाई है उसके लिए हम लोग उनका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। हम सारी नारी शक्ति मिशन शक्ति ही नाम दिया है, और तो हम नारी शक्ति है, नारी शक्ति को सम्मान देना हमारा फर्ज है। नारी शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, हमारा आज से यही नारा है। धन्यवाद।